दोस्तों ये डाल लेते हैं, टूल किट और स्पैनर किट, और फिर आपको बताते हैं कि भाई हम जा कहाँ रहे हैं एग्जैक्टली और ये क्यों लिया गया है। तो मिलते हैं आपसे सीधा बाइक पे। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आपका नई वीडियो में स्वागत है। सो आज है सैटरडे और टाइम हो रहा है शाम के 7:15 और हम निकले हैं एक सिटी राइड के लिए। सो सिटी राइड इसलिए क्योंकि हम जा रहे हैं मेहुल भाई के घर, और किस लिए जा रहे हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। मेजरली उनकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो बीइंग द टेक्निकल एक्सपर्ट ऑफ टाइगर, एक्सपर्ट नहीं कह सकते लेकिन हाँ बस मेरे को थोड़ा बहुत पता है, तो उनकी बाइक की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा जा रहे हैं ठीक करने, तो उसके लिए हम निकले हैं अभी। और यहाँ पे फिर वही ट्रैफिक, दुनिया भर का ट्रैफिक है यार, और गलत टाइम पे निकले हैं। ऑफिस का ऑफिस टाइमिंग के हिसाब से निकलना चाहिए था, थोड़ा पहले निकल जाते बट मेहुल भाई का भी ऑफिस था, वो थोड़ा बिजी थे तो निकल नहीं पाए, और फिर मैं ही लेट हो गया निकलने में। बस निकलते हैं यहाँ से फटाफट, और सामने हो रहा है सनसेट, गोल्डन आर, बट ये गोल्डन आर बहुत ही ख़तरनाक गोल्डन आर है। इस टाइम टेम्परेचर हो रहा है 42, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो बस निकले हैं फटाफट से, आई गेस 14-15 किलोमीटर होगा मेहुल भाई का घर। सो अपने को जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने में अपने को लगेगा रफली 30 मिनट्स एज़ पर गूगल। तो अभी देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। सो दोस्तों बस ऐसे ही अभी ट्रैफिक ही है, ऑफिस आवर्स हैं तो सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, और ये ऑटो वाले भाई साहब क्या करना चाहते पता नहीं, तो सब अपने अपने घर जा रहे हैं। तो बस अभी आप ट्रैफिक देख के क्या ही करोगे, अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो दिखाता हूँ, नहीं तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं ओल्ड पादरा रोड, या फिर आप इसे बोल सकते हैं वडोदरा पादरा रोड, और ये रोड पे बहुत ट्रैफिक रहता है जस्ट बिकॉज पादरा साइड पे बहुत सारी कंपनीज है और बहुत सारी कम्यूटिंग होती है यहाँ से। सो ये रहा किया का शोरूम टुवर्ड्स आर लेफ्ट, और बस अभी हम लोग को घर से निकले हुए हैं 7.5 किलोमीटर। सो आज हम लोग ने ट्रिप ज़ीरो कर ली थी, मैंने घर से ट्रिप ज़ीरो कर ली थी कि भाई देखते हैं मेहुल भाई बेचारे को कितनी दूर आना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ सिर्फ एक राइड करने के लिए, उनको पहले कितना दूर आना पड़ता है और फिर उसके बाद जब राइड ख़त्म हम करते हैं तो हमारे घर से और कितना दूर पड़ता है उनका घर। तो बस निकले हैं ऐसे ही धीरे धीरे फ्लैश लाइट्स मारते हुए कि भाई जाने दो हमें जल्दी जल्दी। गलत टाइम, और अभी भी टेम्परेचर इज 42, बट अभी सूर्य देवता नहीं है तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा लग नहीं रहा, और बाइक पे हवा लग रही है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो बस चलिए विल स्किप थ्रू द पार्ट हाईवे, वही अगेन रोड वाला पार्ट नहीं दिखाना है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं बिल भाईली रोड पर, और यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर से अंदर होते हुए लूना और उसकी तरफ। तो ये रोड मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू गाइस। कि तो मतलब जब मैंने अपनी MBA ख़त्म करी और मेरी फर्स्ट जॉब पादरा में ही एक कंपनी में थी एज अ सप्लाई चेन पर्सनल, तो उसमें रुकना ही नहीं है भाई साहब को। सो मैं सप्लाई चेन में था तो मैं उस कंपनी में पादरा जाता था, तो मैं 3-3.5 साल इसी रोड से पहले मैं बस में जाता था। फिर बस में क्या होता था कि जैसे आप लोगों ने देखा कि वर्किंग आवर्स में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो बस में घर पहुंचने में 1.5-2 घंटे लग जाते थे। तो फिर मैंने अवेंजर अपनी चालू करी कि भाई अपनी अवेंजर पे बाइक से जाना चालू करा मैंने ऑफिस, और उसके बाद फिर मैं यही रूट लेता था बिकॉज दिस वाज द शॉर्टेस्ट रूट अंदर से और फास्टेस्ट बेसिकली, तो अंदर अंदर होते हुए निकल जाते थे। तो ये एक ऐसा नॉस्टैल्जिक रूट है, मैं 3-3.5 साल इस रूट पर चलाऊँ बाइक लेके, तो इसलिए ये बहुत नॉस्टैल्जिक रूट है मेरे लिए, तो मैं सोचा चलो आप लोगों से शेयर करी जाए। तो बस दोस्तों अभी आई गेस यहाँ से ज़्यादा नहीं बचा है मेहुल भाई का घर, थोड़ा सा ही है, मैप्स की ज़रूरत है नहीं क्योंकि मेरे को पता है कि भाई उनका घर एग्जैक्टली है कहाँ पे। जब मैं ऑफिस जाता था आई गेस 2-2.5-3 साल पहले
इस रूट पे, तो मैंने उनका वो जो उनका घर है वो कंस्ट्रक्शन साइट मैंने देखी हुई थी कि वो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन था तब वो घर और वो सोसाइटी जहाँ पे मेहुल भाई रहते हैं। तो बस अभी तो ऐसा सच कुछ है नहीं और दिखाने के लिए, तो गांव के होते होते आगे भाईली गांव आ गया है, तो बस मिलते आपसे थोड़ी देर बाद। सो दोस्तों हम लोग मेहुल भाई के घर तो पहुँच गए हैं, बट ये आदमी ने हमें घर नंबर नहीं बताया है। चलो दोस्तों, तो ये हमारे दो यार दोस्त देख लो, घर की लोकेशन भेज दी उन्होंने मेरे को, बट इन्होंने हमें घर का नंबर नहीं बताया। अच्छा अंकल हेलो, बढ़िया। सो दोस्तों जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं वो है ये, मेहुल भाई ने ना उतरते चढ़ते अपनी इंडिकेटर तोड़ ली है लेफ्ट साइड की, तो बस अभी ये लगवाने वाला है और भाई साहब ने पेडॉक भी रखा हुआ है, तो बस अभी बाइक पे काम चालू करते हैं, मिलते हैं। अपने टूल्स जो घर से लेकर आए थे वो तो चालू करते हैं आपसे, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ज़रूरत पड़ेगी तो ही खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। वैसे आई गेस तो खोलना पड़ेगा, लाइट सफिशिएंट है। अरे बहुत कि मेरे को ये खोलने की ज़रूरत पड़ेगी ना, मैं तो ही खोलूँगा, नहीं तो मैं खोलूँगा नहीं इसको, ऐसा है मेरा। खोल रहे हो ना पैनियर लगाने के लिए, इसके लिए पूरा खोलना पड़ता है। तो घर पे ये देखो, ये हाँ ये पूरे स्क्रू यहाँ से जो निकलेंगे ना, ये इसके नीचे हैं सारे स्क्रू। तो मिस्टर प्रणव वीडियो के लिए ऐसे कर रहा, नहीं तो ऐसे इस साले देसी मैकेनिक है ये। दोस्तों यहाँ पे प्रणव हमसे काम सीख रहा है, ट्रायम्फ की इंजीनियरिंग कैसे करनी है अपने को, ये लगा हुआ है, स्क्रू गलत लगाया हुआ है, पूरा खोलना पड़ेगा। तो अभी हम लोग सोच रहे थे कि सिर्फ ये खोल के, ये जो पैनल है फ़ोन चार्जिंग वाला, ये खोल के हो जाएगा, बट नहीं, कनेक्शन इसके नीचे से आ रहा है तो ये पूरा खोलना पड़ेगा। तो अभी इसको खोलने के लिए अपने को ये सारे स्क्रू खोलने पड़ रहे हैं। तो सीट खोलने के बाद ये पैनल निकाला, ये पैनल के बाद साड़ी गार्ड निकालने वाले जो स्क्रू आते हैं वो निकालने पड़ेंगे, तो ये सारा काम अभी कर रहे हैं। तो देखते हैं, DIY वीडियो तो नहीं बन पाएगी पूरी, लेकिन जितना हो सके उतना आई विल कवर। तो दोस्तों ये दो स्क्रू और हैं नीचे की तरफ, नॉट श्योर दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, बट ये भी खोलने पड़ेंगे। भाई छः स्क्रू हो गए, याद भी रखना पड़ेगा कौन सा स्क्रू कहाँ जाने वाला है बाद में, खोलना तो फिर भी आसान है, डाल वापस फिट करने मुसीबत हो जाएगी। याद है मेरे को, याद है। ये भाई तो नहीं हुई है भी, बट ये कि एटलीस्ट अपने को ये पता है कि हाँ टाइगर पे एटलीस्ट मैं सारे काम कर सकता हूँ। तो यहाँ के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्क्रू खोल देने के मुझे पता चल गया कि मैं नहीं कर सकता, और खोल के जोर से खींचना चाहिए, फिर पता चलेगा कि नीचे भी दो है स्क्रू। जोर से नहीं निकल रहा तो खींचो, तो पता चल जाएंगे कहाँ है वो, अगर नहीं मिल रहे स्क्रू तो क्या कवर करो भाई, हमसे खुल गए हैं सारे स्क्रू। अभी ये देखो तो इसको खोलने के लिए कौन सी फिट होगी पहले वो देखना पड़ेगा। नाप बड़ी है, दिस इज फिटिंग नहीं भैया। ट्राइम से टेक्निकल लोग आए हुए हैं। तो दोस्तों ये वाले कनेक्टर हैं जो हम लोग को खोलने थे, ये अपने ने खोल दिए हैं, एक बार क्लीन तो करने पड़ेंगे आई गेस, गंदे हो रखे बहुत। ये ख़त्म करके ये यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर। अरे इन्होंने बहुत ज़्यादा निकाला, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रायम्फ लेने की। ट्रू, खींच डालो ना, वैसे ही ख़राब है। नहीं नहीं खत्म यार, ऐसे तैसे खींच डालो यार, आप तो सही में तोड़ने की बात है, निकालो तोड़ो उसको, खींच। तो दोस्तों लंबी वाली विल गो इनटू द लॉन्गर लेंथ,
अगर आप देखोगे तो दो अलग अलग लेंथ वाली है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे दो अलग अलग कनेक्टर्स दो अलग अलग लेंथ के हैं, तो लंबी वाली हम डालेंगे लंबी वाली में, इवन आई एम नॉट श्योर, चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे भी लंबी वाली डालेंगे लंबी में, छोटी वाली छोटी वाली में, विल जस्ट चेक इट आउट कि चल रहा है कि नहीं इंडिकेटर, और उसके बाद फिर फिटिंग करते हैं सारी। और ये कैमरामैन हम इसको नौकरी से निकाल रहे हैं, सारे मेजर पॉइंट्स ये रिकॉर्ड करना भूल जाता है। तो बस चाबी गई, अब सो फाइनल वर्डिक्ट चालू नहीं करनी अपने को, बस इंडिकेटर चालू करना। ओके, नहीं कनेक्टिंग गलत करी अपने ने, वापस सही करनी पड़ेगी, गलत कनेक्ट करा है। बंद करूँ क्या भाई? नहीं नहीं रुक जा, इलेक्ट्रॉनिक्स भाई का करंट लग जाए तो ठीक है, 12 वोल्ट से क्या ही कनेक्ट लगने वाला है यार। अरे वो लगता है ना, डन, चालू कर वापस, चल फाइनली चल गई, यस लाइट हो गई है चालू। ये दो बार क्यों इंडिकेट कर रहा है? हाँ डन, चलो हो गया, डन है ऊपर वाला, डन है वाला, पीछे जाएगा। बस बस ये वाला टाइप करने के बाद फिर टाइप करिए उसको, One eternity later. उसमें दिखेगा राइट। अब एक बड़ा वाला भी है ना, वो कहाँ है? दोस्तों फाइनली अपना हो गया जुगाड़, तो अब सिर्फ फिटिंग चालू है वापस। ये दोनों लगे हुए हैं, इन दोनों को बड़ा मजा आ रहा है अब काम करने में, लगे हुए दोनों करने, तो बस अभी फटाफट खत्म करते हैं और करते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। 7:30 से लगे हुए हैं, टाइम देख लो, अभी एक स्क्रू फिट नहीं हो रहा है। कुछ भी करना जिंदगी में, टाइगर ट्रायम कब भी मत लेना, रॉयल एनफील्ड लो, बढ़िया लाइफ सेट है। ये देख लो हेटर्स, यार नहीं हो रहा, दैट्स व्हाट शी सेड। तो हो गई है भाई फाइनली बाइक, अभी सीट डल रही है, 11 बज चुके हैं, 5 घंटे बर्बाद करने के बाद कुछ तो आउटपुट आया है, सही से बाइक चल गई है। अब नहीं कुछ फिट हुआ होगा तो कल राइड पे पता चल जाएगा गिरने के बाद। सही है, पर पैसा देना चाहिए ट्रायम्फ वाले डीलरशिप्स को, उनका काम वर्थ इट है, थोड़ा टाइम लगाते हैं, बट अगर हम एक बार करके इतना टाइम लगा रहे हैं, उनका रोज का काम है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उनसे जल्दी हो जाए। सो दोस्तों काम अपना हो गया, ये लगा हुआ प्रणव फालतू के नाटक करने, इसको नाटक करने हो रहा नहीं है, हाइट पे से लगा हुआ है, रखने इधर उधर। देख लो इसको, देख लो बस भाई, गिर जाएगी, मान मेरी बात, ये 2-3 गाड़ियों का नुकसान करेगा पहले। उस साइड गिरेगी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसे कहते कॉन्फिडेंस, इसे कहते पसीना पसीना। चलो दोस्तों निकलते अब यहाँ से अपने घर, अभी आपको टाइम दिखाता हूँ, एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमें, हम लोग ने सोचा था कि 12-15 घंटे में हो जाएगा काम, बट हम लोगों को लग गए 4-5 घंटे, 11:10 हो रहे हैं, और अभी हम लोग निकल रहे हैं, मेहुल भाई हमारे साथ थोड़ा सा राउंड मारने जा रहे हैं, हम लोग को निकल रहे हैं, अब यहाँ से निकले, अब जाना है घर फटाफट, घर से 2-3 बार फ़ोन आ चुका है, और ये मेहुल भाई का सिक्योरिटी डॉग परेशान हो गया है। सो बस दोस्तों निकले हैं अभी घर से, घर के लिए तरफ, तुम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, जब थोड़ा स्ट्रीट लाइट वाले एरिया में आते हैं तब। सो दोस्तों हम लोग पहुँच गए बड़ोड़ा,
वापस। और हम इस टाइम अटलाद्रा में। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा कैसे इंडिकेटर चेंज करना है, और कुछ सीखने को नहीं भी मिला हो तो एटलीस्ट आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा। इन केस आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया तो आप लोग को पता है कि आप लोग को क्या करना है। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, राइड सेफ गाइस।